हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम फिरोज है। दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एवियान एलसी टैबलेट का। जी हाँ दोस्तों, आज मैं रिव्यू करूँगा एवियान एलसी टैबलेट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और आज हम जानेंगे इस एवियान एलसी टैबलेट के बारे में। आगे जानेंगे इस वीडियो में कि इसका यूज कौन कौन सी बीमारी में किया जाता है, इसको खाने से क्या साइड इफेक्ट हो जाएंगे, इसका प्रॉपर डोज क्या है, क्या कंपोजिशन डाला गया है, कितने रुपये का आता है, कहाँ पर मिलेगा, ये सब जानकारी जानेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बात करें एवियान एलसी टैबलेट का, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस टैबलेट है यह। आपको आपके नज़दीकी मेडिकल पे जरूर मिल जाएगा। इसको मर्क नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि बाहर की कंपनी है, आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यह एक ओटीसी ब्रांड है। इस एवियान एलसी को लोग जाके मेडिकल से ही खरीदते हैं, इतना फेमस है। दोस्तों अगर बात करें एवियान एलसी के प्राइस के बारे में, तो ये आपको 50 रुपये का 10 टैबलेट मिल जाएगा। एक स्ट्रिप मिल जाएगा जिसमें 10 गोली रहती है, 50 रुपये का, तो आपके नज़दीकी मेडिकल पे जरूर मिल जाएगा। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। देखिए इसके जो कंपोजिशन है उसमें डाला गया है दो कंटेंट, एक है विटामिन ई, दूसरा है लियोकार्निटिन। ये दो कंटेंट मिलकर बना है एवियान एलसी, तो विटामिन ई और लियोकार्निटिन। अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो देखिए इसका जो यूज है, अगर आपको विटामिन ई की कमी है आपके शरीर में, उसमें यूज किया जाता है। दूसरा जो है लियोकार्निटिन की कमी है, उसमें यूज किया जाता है। अगर आपके शरीर में लियोकार्निटिन की कमी हो जाए, तो आपका जो मसल है, मांसपेशियां हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और बहुत दर्द करने लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको ऐठन, कमजोरी फील होगा और क्रैम्प हो जाएगा। तो अगर आपको लियोकार्निटिन की कमी हो जाएगी, और अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाएगी, तो आपके बाल में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके आँख में प्रॉब्लम आ सकता है, आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ सकता है, ओवरऑल आपके बॉडी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये दोनों की कमी को ये पूरा करता है। उसके अलावा इसका सबसे ज़्यादा यूज जो किया जाता है, वो मसल क्रैम्प में किया जाता है, मांसपेशियों में ऐठन, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द, ये सब में इसका यूज किया जाता है। वो पूरा आपके बदन में कहीं पे भी हो, मोस्टली पैर में ही होता है, बट अगर हाथ में हो रहा है, बॉडी में हो रहा है, बैक में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, गले पे हो रहा है, आपके बदन में कहीं पे भी मांसपेशियों में क्रैम्प हो रहा है या मसल क्रैम्प हो रहा है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। या आपका बॉडी में जो भी मसल आपके हैं, मांसपेशियाँ हैं, दर्द हैं, तो उसको भी ये दर्द को दूर करता है, उसको स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे यूज हैं, जैसे ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, या आपके बीपी के लिए, अगर आपके हाई बीपी है उसके लिए अच्छा है, या आपके बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, आपके त्वचा के लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर आपके जो नस है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें भी ये ब्लॉकेज को दूर करता है, आपके दर्द को ख़त्म करता है। बहुत दिन से आपको बैक पेन हो रहा है, तो उसमें भी ये काम करता है। दोस्तों इसके और भी बहुत सारे यूज हैं, बट इसका जो मेन यूज है मैं आपको बता दिया हूँ। और अब हम जान लेते हैं साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसका अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। अगर आपको वोमिटिंग जैसी मन कर रहा है, या आपको चक्कर आ रहा है, या आपको जी मचला रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, या आपको डायरिया जैसी समस्या आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बताएं, मे भी हो सकता है ये आपका साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो जो डोज होता है डॉक्टर अपने हिसाब से ही देता है, लेकिन इसका जो डोज दिया जाता है वो दिन में 2 बार दिया जाता है, एक सुबह एक शाम। आप पानी के साथ ले सकते हो, बट दूध के साथ लोगे तो और बेहतर रहेगा, और खाना खाने के बाद आप लेना है। इसका जो ड्यूरेशन है दोस्तों, 1 महीना से लेके 1 साल तक भी दिया जाता है। आपकी बीमारी कितनी गंभीर है उसके डिपेंड करता है, तो आप जब भी लें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। दोस्तों ये सेफ है, इसको कोई भी ले सकता है, लेकिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। दोस्तों ये पूरी जानकारी थी एवियान एलसी टैबलेट की। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।